जी देवर जी। भाभी वो मुझे घूमने जाना है तो भैया से मुझे पैसे चाहिए। रुको मैं बात करती हूँ। अजी सुनिए। क्या है? नहीं है कोई पैसे वैसे या कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या? नहीं है बोल दो उसको। सुनिए ना, दे दीजिए ना पैसे, आपका छोटा भाई तो है। भाई ये तो क्या, तुम्हें पता है कमाने में कितनी मेहनत लगती है? अगर तुम्हें इतना बुरा लगता हो तो तुम दे दो। देवर जी आपको पैसे चाहिए थे ना, ये लो पैसे। पर भाभी आपके पास पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे भैया रोज मुझे घर खर्चा के लिए पैसे देते थे ना, वही बचाए हुए ये पैसे हैं। पर भाभी अगर भैया को पता चल गया तो? उन्होंने तो बोला था कि तुम्हारे पास हो तो तुम दे दो, तो इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। थैंक यू भाभी, शायद मैंने पिछले जन्म कुछ पुण्य किए होंगे इसलिए मुझे आप जैसी भाभी मिली। आपकी जैसी भाभी सबको मिले। हेलो गोलू, अपने खंडर पे आजा फटाफट। अच्छा सुनो मैं चलती हूँ, बाय। आज फिर वो लड़का मेरी बहन के साथ घूम रहा था, सोते रहे हुआ तो क्या हुआ, आखिर मैं उसका भाई हूँ, आज को हम खत्म कर ही देते हैं। वो देख छोटी ने सब सुन लिया, पकड़ इसको। प्रिंस भैया तुमको मारने आ रहे, जल्दी से भागो यहाँ से। बेन प्रिंस को लेके बाहर आ जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मत जाओ प्लीज मत जाओ। प्रिंस देखो भी समझा रहो, बाहर आ जा वरना तुम दोनों को मार डालूंगा। काजल अपने भाई को समझा लो। गोलू अब इसे क्या, इसे भी मार डाल। प्रिंस ये मेरे सगा भाई नहीं है। अरे वाह नया रेस्टोरेंट खुला है, अगर 15 मिनट में खाना नहीं आया तो खाना फ्री। चलो इसको पागल बनाती हूँ। अरे जगह तो यहीं कहीं की बता रही है। अरे ये तो 2 मिनट पहले ही आ गया, एक काम करती हूँ छुप जाती हूँ। अब खाना फ्री। मैम आपका पार्सल। अच्छा ठीक है। अरे मैम सुनो। मैम मेरे पैसे। वैसे भी आप 2 मिनट लेट है ना सर। मैम वैसे भी मैं 2 मिनट लेट हूँ, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था फिर भी मैं पैदल आया हूँ, प्लीज मेरे पैसे दे दो मैडम। सर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तो आपकी पॉलिसी है ना, अगर 2 मिनट खाना लेट होता है तो खाना फ्री। अच्छा ठीक है मैडम। अच्छा 1 मिनट इधर आना। जी मैम। अच्छा एक बात बताइए, इसकी पेमेंट तो आपके अकाउंट से कटेगी ना। मैम कटेगी तो सही पर बात कुछ ऐसी है, मैं रोज 4-5 गरीबों को खाना खिलाता हूँ, आज शुरुआत यहीं से हो गई। आज इनके साथ प्रैंक करती हूँ। कल पूरी रात कहाँ थे तुम? दोस्तों के साथ था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम दोस्तों के साथ नहीं बल्कि एक लड़की के साथ थे। नहीं यार मैं दोस्तों के साथ में ही था। झूठ बोल रहे हो तुम, मुझसे बात मत करना। करते हैं हम प्यार तुमसे, हाँ प्यार तुमसे, प्यार तुमसे, हाँ प्यार तुमसे। यार बहुत मस्ती हो गई, अब जाके उनको सच्चाई बता देती हूँ। यार सॉरी आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। करता है मेरे इस दिल का, करता है मेरे। हां जी। तुम मुझसे प्यार करते हो? प्यार करती हूँ, अरे मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो साबित करके दिखाओ। साबित करना होगा? अच्छा तो बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम 24 घंटे मुझे कॉल और मैसेज नहीं करोगे और मुझसे मिलने भी नहीं आओगे। क्या? हेलो हेलो। तूने उसको बताया क्यों नहीं कि तुझे कैंसर है और तेरे पास बस 24 घंटे? कैसे बताता उसे? 24 घंटे हो गए ना उसे कॉल किया ना मैसेज, सीधा उससे मिलने जाती हूँ, वो खुश हो जाएगा। मैं आ गई। काश ऐसा हो सकता रब दे पैरी पे जांदी, तेरी जगह पे जानी मौत मेनू ले जांदी। जिस तरह तुमने मेरे बिना 24 घंटे निकाले हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निकाल लेना। अपना ख्याल रखना। आई लव यू। होती और अब उन्हों खो लेंदे। काजल मेरा सामान पैक कर दो, मैं मुंबई जा रहा हूँ, वहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। आपको पता है मैं ये वक्त कितना नाजुक है, मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है।
काजल मुझे नॉमिनेट किया गया है यार, मेरा जाना बहुत जरूरी है, तुम अपना ख्याल रखना। कब तक आओगे? मैं अपने दोस्तों के साथ में हूँ, थोड़ा वक्त लग जाएगा। जैसे ख्वाब सी हर एक पल रोशन रोशन था, महकता दिल का आंगन था, था जन्नत से बढ़ के प्यारा मेरा जहां। काजल, बहुत अच्छा इवेंट था यार, तुम्हारा प्रिंस पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ। काजल, हमारा बच्चा, काजल डिलीवरी हो गई है, कहाँ है हमारा बेबी? नहीं रहा, नहीं पहुंच पाई मैं टाइम पे हॉस्पिटल, खो दिया मैंने मेरे बच्चे को। बाय द वे, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो तुम्हें तुम्हारी सक्सेस।